राजधानी शिमला में हुई पहली बारिश ने नगर निगम द्वारा किए कामों को आईना दिखा दिया है। शहर में घरों, गाड़ियों, सड़कों पर हर जगह बारिश ने तबाही मचाई है। कृष्णनगर वार्ड में जहां दो मकान ढह गए, वहीं कसुमटी और छोटा शिमला वार्ड में दंगे गिरे। राम बाजार में सड़क पर मलबा गिरने से रोड ब्लॉक, फल मंडी ढली में मलबा आया। लोकल बस स्टैंड में मलबा आने से तीन दुकानें इसकी चपेट में आई। स्टॉल लगाकर सामान बेचने वाले स्टॉल पानी में बह गए। संजौली की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मलबे ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। भट्टा कुफर वार्ड में आधी रात को मलबा घरों में घुस गया। कई वार्डों में रोड साइड खड़ी गाड़ियों पर पेड़ और पत्थर गिरे, जिससे वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मॉनसून में पहले हुई पहली बारिश ने शिमला में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। नतीजा आधी रात को लोग घरों से बाहर निकल कर जाने को मजबूर हो गए। इस तबाही के लिए नगर निगम जिम्मेदार है। एनस्टार न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। नुकसान कर देती है जिस पॉइंट पे, क्योंकि बारिश के साथ बहता है तो नुकसान होता है उसका। तो वो नगर निगम को पिछले आपने देखा होगा कि जब पिछले हफ्ते से लगातार नगर की सफाई उसमें नहीं होती, लेकिन जहाँ स्प्रे करनी चाहिए गर्मी के बाद बरसात से पहले स्प्रे करती है, जिसके फर्स्ट साथ में ये सब होता है कि एक बड़ा नुकसान होता है उसमें, लेकिन वो डंपिंग करना पौधों के साथ डंपिंग करना एक चैलेंजिंग है हमारे लिए। और जहाँ जहाँ पीडेंडी का रोड है वहाँ पीडेंडी वाले के लोग जैसे निकल गया उसमें उनके नाला और बंद है, तो पीडेंडी के अच्छी से टेंडर करते हैं। टेंडर के माध्यम से लेबर को बीच करते हैं जो उसका एक शेड्यूल बना रहे हैं, जैसे जल्द से जल्द उसको लेबर हायर करते हैं, क्लियर कर दिया जहाँ जहाँ काफ़ी।